नमस्कार, एस्टिकेशन में आपका स्वागत है। सो आप सभी ने सोशल मीडिया में इस टाइप की इमेज को आसानी से देखा ही होगा। सो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप इस टाइप की इमेज को किस तरह से अपने मोबाइल में 5 से 10 सेकंड के अंदर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा बोर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप वीडियो को पूरी तरह से देख लें, उसके बाद आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको फोटो इम्पोर्ट करने का ऑप्शन बताया जाएगा। सो यहाँ पे मैं MSK सर का एक फोटो को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं उनके एक कलर फोटो को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो कलर फोटो को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। सो फिल्टर में आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला फिल्टर को अप्लाई करना है और जैसे आप टिक करके ओके करते हैं और इसे डायरेक्ट आप इसे एक्सपोर्ट करके सेव कर ले अपने फोन में। सो यहाँ पे मैंने इसे पहले ही सेव कर चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको उसके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो एक्सपोर्ट हुई है उसे आपको इम्पोर्ट करना है। सो इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन पे जाना होगा, जो आपके टूल्स में ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं आपको डबल एक्सपोजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा। सो ऐड फोटो में आप ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो फोटो आपने एक्सपोर्ट किया था उसे आप यहाँ से चूज कर ले। आप जैसे ही उसे यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ पे एक आपको वाटर ड्रॉप का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसकी आप इंटेंसिटी को पूरी तरह से बढ़ा दे। और जैसे आप उसे पूरी तरह से बढ़ा देते हैं तो ऊपर में एक आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको व्यू एडिट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको एक ओरिजिनल अरे डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिलेगा। आपको डबल एक्सपोजर में क्लिक करके बीच वाले जो एडिट के ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दें। आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से आपकी फोटो यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। और यहाँ पे आपको एक ऊपर में आपको एक एरो का ऑप्शन मिलेगा और एक नीचे में एरो का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से आप जिस जगह को आप अगर टच करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जगह पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। सो इसी तरह से आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में अगर कलर लाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप सिंपल टैप करके आप आसानी से कोई भी जगह में आसानी से आप ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर आसानी से कर सकते हैं। सो यहाँ पे अच्छी तरह से आप पूरी तरह से एडिट कर ले और इसे आसानी से एक्सपोर्ट कर ले। और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। सो इस तरह से आप अपने मोबाइल पे क्रिएटिव फोटो को 5 से 10 सेकंड के अंदर आसानी से बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल काम में आई होगी और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा, जो चीज हम देख सकते हैं उस चीज को हम आसानी से सीख भी सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।